अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हमने पहले भी बात कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखकर टच करके छू के अंदाजा लगा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम जरा देखते हैं नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस फ्लेमिंग लिक्विड विद शार्प चॉकिंग स्मेल। इट इज कलरलेस वेन प्योर। देखिए नाइट्रिक एसिड को जब भी आप देखेंगे तो प्योर फॉर्म में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और इसमें से क्या होगा, धुआं उठ रहा होगा। ये नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। उसकी स्मेल क्या होती है, चॉकिंग सी होती है, यानी कि एकदम दिमाग में चलती है, समझ लीजिए। तो ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज में। दूसरी देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रिक एसिड इज 83 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल इट इज फ्रीजिंग पॉइंट इज -41 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हाइल इट इज फ्रीजिंग पॉइंट इज -41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है एफपी होता है वो कितना होता है, -41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नंबर 3 देखिए, नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल एंड डीकंपोजेस इन सनलाइट। जब इसको सनलाइट से दूर रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, इसका जो कंटेनर होता है वो डार्क टाइप का होता है ताकि वो अंधेरे से दूर रहे, रोशनी इस पर ज्यादा असर ना कर सके। जैसे इस पर रोशनी पड़ेगी तो ये क्या होगा, डीकंपोज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा 4NH3। इसे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है तो 4NH2O2+2H2। इस तरह डीकम्पोजिशन हो जाएंगे, नाइट्रिक एसिड इन प्रोडक्ट में डीकम्पोज हो जाता है जब भी इसको सनलाइट मिलेगी। तो ये नाइट्रिक एसिड की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये आपको अच्छी तरह याद करनी है। अब जब देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखिए, एज एन एसिड, एसिड के एसिड से इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, इट इज एक्वस सॉल्यूशन, आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, मोनो एसिडिक है। एसिड और बेस पे आपने 9th क्लास से बात कर ली होगी। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव आयन देने वाला। इस तरह आपने इसका चैप्टर में आपने इसकी फिर एसिड और बेस पर बात कर ली होगी। फिर हमारा जो सिलेबस में ये नहीं है, हमारा जो क्या है नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड है। तो जब भी नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है HNO3+H2O2 क्या बनाता है, H3O यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। H2O होगा तो वाटर यानी कि, और ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड, H3 होगा तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन और NO2 प्रोड्यूस करता है। तो ये इसकी क्या होगा, इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी एज एन एसिड। एक एसिड की एसिड से इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ये होती है। नंबर 2 देखिए, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर बात हो गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो बन चुकी। अब देखिए SNO3 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, बहुत पावरफुल किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, गेन कर लेता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक हो सकती है, ये एसिड के जगह में आ सकता है। तो ये थी इसकी एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 तक होती है। रिएक्शन विद मेटल्स में देखिए, जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा मेटल्स के साथ तो उसका क्या रिएक्शन होगा, नॉन मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होगा। पहले मेटल्स के साथ देखें, नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन करता है, तो देखें रिएक्ट विद मेनी नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीडाइजेस इनटू देयर ऑक्साइड्स और ऑक्सीऑक्साइड्स। जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो उनको क्या काम करेगा, उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 4NO2, देखिए वही बात, और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हुआ, जैसे ऑक्साइड्स और ऑक्सीएसिडिक ऑक्सीएसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या देता है। तो एक और देखिए, ऐसा ही +4HNO3 सिलिकॉन के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये देखिए ऑक्साइड से बनाती हुई, और NO2 बनेगा और H2O। तो ये देखिए मेन बात है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये क्या हुआ, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा नॉन मेटल्स। अगर देखिए रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड क्या करता है, तो रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर क्योंकि एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स में आता है, ठीक है। तो कॉपर का रिएक्शन जब भी होगा नाइट्रिक एसिड के साथ, क्यूप्रस समझ लें, Cu होता तो कॉपर है, मगर लिखा Cu जाता है क्यूप्रस के तौर पर। तो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट में आएगा ये, और NO2 और +2H2, यानी कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज मेनी मेटल्स, HNO3 रिप्लेस NO2। तो ये क्या काम करता है, NO2 बाद में इसका प्रोडक्ट के तौर पर NO2 प्रोड्यूस होता है जब भी इसके साथ मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड।
ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है, तो सीयू प्लस फोर एच एनओ थ्री सीयू एनओ थ्री टू प्लस टू एनओ टू प्लस टू एच टू है। तो ये हमारे पास होगी पहली क्वेश्चन देख लीजिए, रिएक्शन विद लेड पीबी सीसा यानी थे ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड यानी सीसा। तो सीसे के साथ रिएक्शन करके फोर एच एनओ थ्री क्या बनाता है, लेड नाइट्रेट बनाएगा, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये भी एनओ प्रोड्यूस करेगा और एच टू ओ प्रोड्यूस करेगा। इसको ऑटो कर लें डाइऑक्साइड समझ लें, तो ये NO2 है। तो ये हमारे पास था नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा क्या अमल करेगा, और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन उसका क्या रिएक्शन होगा। तो दोनों के साथ हमारे पास मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन होंगे आपके पास। ये आपको एक एक इक्वेशन इसकी याद करना होगी। अब नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेशन रिएक्शन में देख लीजिए, नाइट्रेशन रिएक्शन से मतलब क्या होगी, NO2 को ऐड करना। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन कहलाता है, ये बेंजीन में भी हो सकता है, ग्लिसरीन वगैरह में भी हो सकता है। बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रो बेंजीन बनेगी, ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रो ग्लिसरीन बनेगी। जब किसी ग्रुप में NO2 ऐड होता है तो उसकी क्या होता है, उसकी नेचर एक्सप्लोसिव होती जाती है। जितना ज्यादा NO2 ग्रुप होगा उतनी ज्यादा उसकी नेचर एक्सप्लोसिव होती जाएगी। तो इसका नाइट्रेशन रिएक्शन भी देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C6H6 है, जिसे यहाँ लिखा हुआ है टू रिप्लेस हाइड्रोजन एटम बाय नाइट्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप यानी NO2। तो उधर देख लीजिए C6H6 का जैसे जब भी HNO3 के साथ होगा तो क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन बनेगा C6H5NO2, और इसमें प्रोडक्शन के तौर पर वाटर भी प्रोडक्ट बनेगी एक बार, इसको कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराने से नाइट्रो बेंजीन बनती है, इससे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा NO2 की जगह ले लेगा। तो ये आपके पास नाइट्रेशन रिएक्शन था।